कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। कहते हैं कि शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती रहती है, लेकिन अंधभक्तों के साथ तो उल्टा ही होता है। उनकी आत्मा मर चुकी है और शरीर भटकता रहता है। भक्तों ने जब अपने पापा का ट्वीट देखा होगा तो उनकी आंखें भर आई होंगी, दिल बैठ रहा होगा और सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी मोहब्बत कब और कैसे हो गई। भक्त तो इस फिराक में थे कि देश विरोधी राहुल गांधी इमरान खान के स्वस्थ होने की कामना करते ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी गंदगी फैलाने का मौका मिलता, लेकिन मोदी जी अपने ही भक्तों के अरमानों में कुंडली मारकर बैठ गए। हम आपको पूरा माजरा बताएंगे और भारत पाकिस्तान के दो महापुरुष की लव स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी का लव लेटर वाला बयान सुनाते हैं। कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। फेक न्यूज के बादशाह की अदालत में महाजुमलेबाज पुरुष रौद्र रूप अपनाए हुए ये कह रहा है कि लव लेटर बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कभी आई लव बिरयानी पार्टी तो कभी आई लव मोदी ओथ सेरेमनी पार्टी और कभी बेस्ट विशेष पार्टी चल रही है। किसी के स्वस्थ होने की कामना करना गलत नहीं है, किसी को दुआएं देना ये भी गलत नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के अरमानों पर कुंडली मारकर बैठ जाना, उस पर पानी फेर देना, उसके अरमानों को दुश्मन के हाथों सस्ती शोहरत के लिए न्यौछावर कर देना ये गलत है। अंधभक्तों से लेकर लश्कर मीडिया तक, तिहाड़ी से लेकर सुपारी संपादक तक, टीवी स्टूडियो के मोर मोरनियों से लेकर पीएमओ के दरबारियों तक सभी पाकिस्तान को गाली देने में अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से ऊपर हैं। वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीएम मोदी के इमरान खान के लिए किए गए कामना वाली ट्वीट के बाद तो भक्तों में भूचाल आ गया। भक्त अपने पापा के इस पाप पर ज्ञान अवलोकित करने के लिए प्रकट हुए। पीएम मोदी के ट्वीट पर सनातन हिंदू सेवा संघर्ष दिल्ली नामी एक भक्त का दिल फूट पड़ा। वो अपनी पीड़ा छुपा नहीं सका और पीएम मोदी को सुझाव देने लगा। वो लिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन जिहादियों आतंकियों के स्वस्थ होने की कामना करना सही नहीं है। एक दूसरे भक्त का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इनकी पीड़ा को आप सिर्फ महसूस कीजिए। पीएम मोदी द्वारा इमरान खान के स्वस्थ होने की कामना वाले ट्वीट के बाद भक्तों को इमरान खान का ये संदेश जरूर सुनना चाहिए। मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। सोचिए इस देश की जनता कितनी मासूम है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में अपना जीवन खपा रही है, लेकिन मोदी की महिमा तो अपरंपार है। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी पीएम आते हैं, मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं और अब ये शुभकामनाएं। इसे कहते हैं नफरत भी तुमसे और प्यार भी तुम ही से। अगर यही ट्वीट किसी विपक्षी दल के नेताओं ने किया होता या किसी दलित या मुसलमान ने किया होता तो नोएडा फिल्म सिटी के टीवी स्टूडियो में अदालत सजाई गई होती, उसे देशद्रोही और देश विरोधी साबित कर दिया जाता। स्टूडियो में बैठे मोर और मोरनियां खिड़की सजाकर उनके देश विरोधी होने का फरमान सुना रहे होते। इस देश के सैकड़ों किसानों ने अपने अधिकार के लिए दिल्ली की सड़कों पर अपनी जानें दे दी, लेकिन उन्हें आतंकी, खालिस्तानी और देश विरोधी तमगे के सिवा कुछ न मिला। लेकिन पाकिस्तानी पीएम को कोरोना हो गया तो देश के प्रधान सेवक जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। खैर, इस ट्वीट के जरिए देश के प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानी बिरयानी के नमक का कर्ज तो अदा ही कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।